इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है m की। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब मुझे यहाँ पे m की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जहाँ पे वो पॉजिटिव हो और इंटीजर भी हो। पहले मैं यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 1 + i/(1 - i), इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए मैं डिनोमिनेटर से वो कम्प्लेक्स नंबर हटाता हूँ। हटाने के लिए मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का मतलब जो माइनस साइन है इसका उल्टा कर देते हैं प्लस साइन, उससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, यानी 1 + i से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं a + b a - b का डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में यूज़ करते हैं a + b² वाला फॉर्मूला। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हम i² की वैल्यू डालते हैं -1, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी आयोटा, यानी मेरा इस कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है आयोटा। अब मुझे इक्वेशन गिवन है 1 + i/(1 - i) की पावर m = 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं आयोटा, तो ये आ जाएगा i/(m = 1। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर होता है -1, लेकिन हमें यहाँ राइट साइड में 1 चाहिए, अभी -1 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड्स। तो यहाँ राइट साइड में आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा i/(2)2, यानी i/4। तो ये आ गया i/4 = 1। अब ये m की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे फिर 4, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को।